नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम बनाते हैं वेज बिरयानी, जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। तो आज हम इसे एक सिंपल सी रेसिपी से बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ कुछ वेजिटेबल्स ली हैं। जैसे कि मैं ली हूँ फ्रेंच बीन्स, आलू, फूलगोभी, गाजर, और सबको अच्छे से धोकर कट कर ली। हम लेंगे एक बड़े साइज का प्याज, जिसे कट कर लेंगे, और हमें चाहिए गरम मसाले जैसे कि तेजपत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, और हम दो मीडियम साइज टमाटर को कट कर लेंगे। और हम लेंगे हरा मटर। मैं यहाँ ली हूँ दो गिलास बासमती चावल, जिसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दूंगी। आप चाहे तो नॉर्मल चावल भी ले सकते हैं, जिसे 15 से 20 मिनट पहले ही भिगो के रख दे। हम लेंगे एक कुकर, जिसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। जब तेल गर्म हो जाए, फिर इसमें डालेंगे गर्म मसाले, आधा टेबल स्पून जीरा। जब जीरा चटक जाए, फिर हम डालेंगे कटी हुई प्याज, और हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। इसे बनाना एक बार आप किसी को भी दिखा देंगे तो आराम से बना सकता है, ना ये कच्चा रहेगा ना जलेगा। अब हमारा प्याज अच्छे से पक चुका है, तो इसमें अब हम डालेंगे फूल गोभी, आलू, बीन्स, गाजर और सारी सब्जियों को 5 से 10 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। जब सब्जियां अच्छे से पकी हुई रहती है ना, तो खाने में अच्छी लगती है। अब हम डालेंगे अदरक, जिसका मैं पेस्ट बना ली हूँ। आप चाहे तो अदरक को बारीक काट के भी डाल सकते हैं। अब सारी सब्जियां अच्छे से पक चुकी है, इसमें अब हम डालेंगे मसाला। इसके लिए मैं यहाँ ली हूँ लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। मैं यहाँ 1.5 चम्मच नमक डाली हूँ, 1 चम्मच सब्जियों के लिए, 0.5 चम्मच चावल के लिए। आप अपने स्वाद अनुसार नमक डालें। अब हम मसाले को अच्छे से मिला लेंगे और चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। अब हम डालेंगे हरा मटर, और मैं मटर को लास्ट में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ हल्के उबले हुए मटर ली हूँ। अगर आप हल्के उबले हुए मटर लेते हैं तो लास्ट में डालें, अगर आपका मटर कच्चा हो तो पहले ही डाल दें, ताकि मटर अच्छे से पक जाएगा। अब हम डालेंगे चावल, जिसे मैं पहले ही भिगो के रख दी थी। आप कभी भी बिरयानी बनाए तो 15-20 मिनट पहले ही चावल को भिगो के रख दे। अब हम चावल को हल्के हाथों से चलाएंगे, ताकि चावल टूटे ना। और अब हम डालेंगे पानी, हम उतना ही पानी डालेंगे जितना चावल लेंगे। मैं यहाँ डाल रही हूँ 2 गिलास पानी, क्योंकि मैं 2 गिलास चावल ली थी। 0.5 गिलास पानी एक्स्ट्रा डालूंगी सब्जियों के लिए, ताकि सब्जियाँ अच्छे से पक जाए। अब हम डालेंगे 2 हरी मिर्च, धनिया पत्ता, और प्रेशर कुकर को बंद करके 1 सीटी लगवा देंगे। जब 1 सीटी लग जाए तो लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद गैस को बंद कर देंगे। अब हमारा कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हमारा चावल भी अच्छे से पक चुका है, सब्जियां भी अच्छे से पक गई है। देखने में भी एक एक चावल खिला खिला दिख रहा है, और कलर भी बढ़िया दिख रहा है। तो आप चाहे तो इसके ऊपर से बिरयानी मसाला डाल के खाएं, फ्राई किया हुआ प्याज डाल के खाएं, मिर्ची डाल के खाएं, आपकी चॉइस है। अब हमारा टेस्टी टेस्टी बिरयानी बनके रेडी है, तो आप भी बनाइए, खाइए और खिलाइए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।